بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم درس نمبر सरल कुरान यसर कुरान का पेज नंबर सोलह है और इस हिसाब से आज का ये दर्स नंबर सात है अलफाज का तलफ होगा हिज्जा की सूरत में और रूख़ानी के सूरत में इस वक्त अल्फाज का तलफुज ज़ेर के साथ होगा जेर के साथ यानी कसरा जिसे अरबी में कसरा कहा जाता है अच्छा ये बात जहन में रखें पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जेर की आवाज़ बारीक होती है ज़ेर की आवाज़ या की तरफ़ माइल होती है यानी हमज़ा ज़ेर ई बिल्कुल ई हरकत को डबल न खींचें अगर हम हरकत को डबल खींचेंगे तो फिर ये या मद्दी बन जाएगी हरकत को डबल नहीं खींचना लेकिन ये है कि बारीक करना है हमजा ज़ेर ई हमज़ा ज़ेर ए, ए नहीं पढ़ना ए ये मजहूल है जबकि हमें हरक़त को मारूफ़ पढ़ना है ज़ेर की आवाज़ और पेश की आवाज़ को मरूफ़ पढ़ना होता है यानी मारूफ क्या मतलब यानी वो सर्फ़ के अतबार से ये मारूफ़ व मजहुल नहीं है ये क़रात के हिसाब से अपनी एक अतला है कि ज़ेर की आवाज़ को आप पतला पढ़ें बारीक पढ़ें जिसको आ, इल्म करात में मरूफ़ कहा जाता है हमजा जेरे ई हमजा जेर ई बर बा बी बार बे बे नहीं पढ़ना लाम जर ले नहीं ये उर्दू लहज़ा है ले या फ़ारसी ले बे नहीं अरबी में है बा ज़ेरे बी बारीक होगा बा ज़ेरे बी लाम जेरे ली। नतीजा क्या हुआ ई बी ली ई बी ली इसको उर्दू लहजे में ए बे ले ए बे ले नहीं पढ़ना ई बी ली ई बी ली अगला लफ्ज़ है सीन जेरे सी सीन जेरे सी रो जरे री फ़ेरे फ़ी शिरी फ़ी सी शिरी फ़ी अगला लफ्स है शीन जेरे शी खा जर ख़ी रो जर री खा पुरहजम और भारी हरूफ में से है शीन जेरे शी خازر خی رازر ری شیخی ری شیخی ری شیخی ری, شیخ ری جیم زر جی, ری فی, جی ری فی جیری فی جیری فی جیری فی جی तेजरे राज़रेरी रो जरे सी तीरी सी तीरी सी तीरी अगला लफ्स बा तेजरे ती ते सी ये सा है ये सीन नहीं है सीन में सीटी होती है आवाज़ में सिर सीटी है लेकिन ये फ़ै है जबान का सर्रा जैसे पहले अर्ज़ कर चुका था कि जबान का ये सर्रा सना उलिया यानी जो ऊपर के दांत हैं इनके किनारे से टकराए फ़ै फ़ै व फ़ी बीती फ़ी बी फी बी स्वाद अगला स्वा, उसमें स्वाद है स्वाद पुरहजम है जे कि इसमें सीटी है एक एक बात जहन में रखें कि सीन में भी सीटी होती है स्वाद में भी सीटी होती है लेकिन फ़र्क यह है कि स्वाद पुरहजम और मोटा और भारी हर्फ है जबकि सीन बारिक है सीन पतला है स्वाद जे सुरे री फेरे फ़ी शी फ़ी शी फ़ी स्वाद से शयरी फ़ी अगर ये सीन होता तो सीरीफी होता है सीरी यह स्वाद है शेरीफ़ी शे रीफ़ी शेरीफ़ी ये वो अलफ़ा थे कि जिनका तलफ़ुज हुआ ज़ेर के साथ हिज्जा में और रूखानी में आइए हम इन अलफ़ा को बग़ैर हिज्जा के रूखानी के अंदाज़ में पढ़ते हैं ई बीली बीली ई बीली سيري في سيري في سيري في شيخيري 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 جيري في جيري في جيري في سيتيري 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 بيتي في ثاكي बीति फ़ी बीति फ़ी बी ती फ़ी शे रेफ़ी शे रेफ़ी शे रेफ़ी ये वो अलफा थे कि जिनका तलफ ज़ैर के साथ हुआ अब इसी पेज में पेज नंबर सोलह पर इस इसकायद यसर कुरान के पेज नंबर सोलह पर अब वो अलफ़ाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनका तलफ़ुज़ पेश के साथ हुआ है यानी पेश ज़म्मा जिसे अरबी में ज़म्मा कहा जाता है उर्दू में पेश तो ज़म्मा के साथ इनका अब तलफ़ुज़ होगा हिज्जा और रूखानी हम दोनों बयान करेंगे आइए ये लफ्ज़ है तौ पेश तो रो पेश रू फ़े पेश फू नतीजा तो रूफ़ तो रूफ़ तो रूफ़ो जीम पेश जो را پش رو، فا پشفو فو، جوروفو فو، جو فو, جو فو، شین پش شو، خوا پش خو، خوا باری بری حرفه خو، دل پش دو، شو خو دو، شو خو دو، شوخو دو شوخو دو شوخو دو मीम पेश मु मुँ पेश पेशरू मोरू वौत पेश दो मोरू दो गौत पुरहजम भारी है मोरू दो मोरू दो मोरू दो हमजा पेश उ ये वही हरफ है हमजा है इसे हम अलिफ नहीं कहेंगे क्योंकि इस पर एराब आया है जब इस पे एराब आए तो फिर वो अलिफ नहीं कहलाता हमजा पेश उ पेश बु لام پیش لو أبو ابلو أبو سین پیش سو را بش رو فا بش فو صروف 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 مو را بش رو. دال بش دو, مرو دو. مرو دو. मुरुदु अब इन अल्फाज को रू खाने के अंदाज़ में हम पढ़ेंगे जिन्हें पेश के साथ तलफ़ुज हुआ है तो रोफो तो रोफो तो रोफो जो रोफो जोरूफो जोरूफो शो मुरुदु शो खोद मोरुदो ओबोलू उबोलू शुरूफू शूफो मोरुदू मुरुदू मुरुदू ये वो अल्फाज थे कि जिनका तलफ एक मरतबा ज़ेर के साथ हुआ और एक मरतब पेश के साथ हुआ है व सल् रसूल करीम